हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे रेडमी फ़ोन में आप कैसे फेस लॉक को रिमूव कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कैसे कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आइकन शो हो रहे हैं तो आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही सेटिंग्स आ जाएगा। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं सिंपली तो बायो पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक सेटिंग्स पे जाना है, जिसमें से आप फेस लॉक लगाना चाहें लगा सकते हैं, बायो फिंगरप्रिंट लगाना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हैं। बस पासवर्ड डाल देना है, फिर आपको इस तरीके से इसमें सेंसर पर फिंगर्स को टैप करते जाना है। देख सकते हैं कि इस तरीके से आप फिंगर इसमें टैप करते जाते हैं तो फिंगर आपको कुछ ही सेकंड के अंदर ऐड हो जाएगा और सेट हो जाएगा। डन करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, फिंगर्स के जरिए इस तरीके से स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।